दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे उपनिषदों की। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपनिषदों से एक कदम आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है उपनिषदों की वो महत्वपूर्ण बातें जो कंपटीशन में, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। चाहे आप आईएएस तैयारी करें, चाहे किसी प्रशासनिक सेवा की, चाहे आप टीचिंग के लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी करें, उपनिषद का ये अंग, ये जो वीडियो है आपके हमेशा काम आने वाला है क्योंकि इसमें केवल उपनिषद की महत्वपूर्ण बातों को स्ट्रेस किया गया है, तो महत्वपूर्ण सवालों को स्ट्रेस किया गया है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये जो सवाल है आपके बहुत ही अधिक काम के होंगे। तो आइए चलते हैं इन सवालों को देखने के लिए भाई बोल की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो उपनिषद पढ़ रहे हैं, अब ये जो चैप्टर है ये आपको मैं बता रहा हूँ उपनिषदों की प्रमुख बातें कि उपनिषद में प्रमुख रूप से किन किन चीजों में बताया गया है। ये जो सारी बातें हैं वो सब परीक्षा आधारित है, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है और पूरा देखना है। उपनिषदों के बारे में मैं एक एक चीज तार तार करके बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज कैसे कैसे एग्जाम में आती है। ठीक है, तो उपनिषद हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो देख लेना आप क्या है कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न उपनिषद की, ठीक है ना। प्रश्न उपनिषद केवल वही उपनिषद बताऊंगा जिनके बारे में सवाल बार बार आता है जिनमें से, ठीक है ना। प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद में कुल प्रश्न कितने हैं ये देखो, इसमें कुल प्रश्न है प्रश्नोपनिषद में 6। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 6 है। ये जो 6 प्रश्न है ये किसने पूछे हैं, ये जो 6 प्रश्न है वो ऋषि पिपलाद से पूछे गए, ठीक है ना। कौन थे, ऋषि पिपलाद, है ना, पिपलाद से पूछे गए थे ये 6 प्रश्न कुल जो है इस उपनिषद में है और वो ऋषि प्रहलाद से एक एक करके पूछे जाते हैं। ये जो 6 ऋषि थे, 6 प्रश्न 6 ऋषियों ने पूछे, वो कौन कौन थे, ठीक है। पहले थे कात्यायन, पहला प्रश्न किसने किया, कात्यायन ने। दूसरे थे भार्गव, दूसरा प्रश्न था भार्गव ऋषि का। तीसरा प्रश्न था अश्वलायन ऋषि का, ठीक है ना, अश्वलायन ऋषि का। चौथा जो प्रश्न किया वो किया गार्गे ने, चौथा प्रश्न किया गार्गे ने। पांचवा प्रश्न किया सत्यकाम ने, ठीक है, सत्यकाम ने। और जो छठा प्रश्न किया वो किया भारद्वाज ऋषि ने, ठीक है। तो प्रश्न उपनिषद में कुल प्रश्नों की संख्या है 6। ये 6 प्रश्न पूछने वाले ऋषि कौन कौन है, कात्यायन, भार्गव, अश्वलायन, गार्गे, सत्यकाम और भारद्वाज। ये 6 प्रश्न 6 ऋषियों ने किससे पूछे, ऋषि पिपलाद से पूछे, छोटी पी आधा पे लाद है पिपलाद से ये प्रश्न जो है पूछे गए थे, ठीक है। ये हुआ आपका प्रश्न उपनिषद, ये बिल्कुल एग्जाम अप्रोच पे क्वेश्चन है, इनको गौर से देख लेना। फिर अपन देखते हैं मुंडक उपनिषद, ठीक है ना। मैं केवल वही उपनिषद पढ़ा रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखो मुंडक उपनिषद, ये जो सवाल बताने जा रहा हूं ये आईएएस में आता है, प्री में मैक्सिमम आता है, चाहे यूपी प्रशासनिक सेवा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पटना हो, राजस्थान हो, हिंदुस्तान का कोई सा भी स्टेट हो, ये सवाल मैक्सिमम प्री में सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार। सवाल क्या है, मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद में एक चीज है सत्यमेव जयते, ये लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो सवाल यही आता है सब प्रशासनिक सेवाओं में कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडोपनिषद से। पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो घट लेना। ये मैक्सिमम प्रशासनिक सेवाओं में पूछा गया, पूछा जाने वाला और पूछा जाता रहे वाला सवाल है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कुल 64 मंत्र है, मुंडोपनिषद में कुल कितने हैं, 64 मंत्र है, ठीक है, ये इसमें से ये महत्वपूर्ण चीज थी। अब तीसरा है कठोपनिषद, कठोपनिषद संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद से मैक्सिमम सवाल आए हैं और मैक्सिमम सवाल वही 4 या 6 सवाल बनते हैं जो बार बार घूम घूम के आते हैं। कठोपनिषद किससे संबंधित है, पहली बात तो ये यम और नचिकेता संवाद इसमें दिया गया है, ठीक है ना, यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में ही दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, नचिकेता जो है
नचिकेता को, जब नचिकेता के पिता गायों का दान कर रहे थे तो नचिकेता ने देखा कि उनके पिता उन गायों का दान कर रहे हैं जो कि दूध नहीं दे रही, किसी भी काम की नहीं है। तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप ऐसी गायों का दान क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा तो चुपचाप बैठा रहे। तो नचिकेता ने पूछा कि पिताजी फिर आप मुझको किसको देते हो? तो उन्होंने कहा मैं तुझको यम को देता हूं, यानी कि नचिकेता को उन्होंने यमराज को दान कर दिया। अब नचिकेता यम के पास पहुंच जाता है। महान नचिकेता जब यम के पास पहुंच जाता है तो वो यमराज से तीन, यमराज उससे बात करता है, यमराज संतुष्ट होता है उसके सवालों के जवाब से, और यमराज उसको नचिकेता को तीन वरदान मांगने को कहता है। वो तीन वरदान बहुत महत्वपूर्ण है, कहानी आप कहीं भी पढ़ लेना, छोटी शॉर्ट मैंने बता दी जितनी मुझे याद थी। अपना विषय नहीं है, अपना विषय कठोपनिषद से संबंधित है। तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें जो नचिकेता के जो है तीन वर थे, पहला वर था उसका, नचिकेता कहता है कि जो मेरे पिता है वो शांत संकल्प हो जाए, यानी वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। पहला जो वर था वो है पिता शांत संकल्प होवे, ठीक है ना, पिता शांत संकल्प होवे, ये पहला वरदान है। सवाल सीधा सीधा आता है, नचिकेता ने यम से पहला वरदान कौन सा मांगा? तो पहला वरदान मांगा कि पिता शांत संकल्प होवे। यम नचिकेता ने यम से दूसरा कौन सा मांगा? स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या का वर्णन करो। स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या, ठीक है ना, अग्नि विद्या। तो यम ने जब कहा कि आप दूसरा वरदान मांगो नचिकेता से, तो नचिकेता ने कहा कि स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या का वर्णन करो, यानी वर्णन करने को उसने यमराज से कहा था। तीसरा वरदान है आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मा है कि नहीं ये पूछा, आत्म तत्व का ज्ञान मांगा, आत्म तत्व का ज्ञान। तो यम ने जब वरदान देने के लिए कहा तो नचिकेता ने तीन वरदान मांगे। पहला उसके पिता उससे नाराज है, वो शांत हो जाए, यानी उसकी नाराजगी दूर हो जाए। दूसरा स्वर्ग देने वाली अग्नि का वर्णन पूछा उन्होंने। तीसरा पूछा आत्म तत्व का ज्ञान, यानी कि आत्मा है कि नहीं है, यमराज मुझे बताओ कि आत्मा है कि नहीं है, जिसका जवाब दिया था कि ये सवाल तो आज तक उनके भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अब कठोपनिषद में कुल अध्याय कितने हैं? इसमें दो अध्याय है, ठीक है, सॉरी ये मैं मुंडक उपनिषद लिख रहा हूं, कठोपनिषद अपन चल रहे हैं। तो कठोपनिषद में कुल अध्याय कितने हैं? दो अध्याय है, ठीक है ना, दो अध्याय। ये कठोपनिषद पढ़ा रहा हूं मैं, देख लेना, इसमें दो अध्याय कुल है कठोपनिषद में। अच्छा, और इसमें बल्लियां कितनी है? छह बल्लियां, छह बल्लियां। तो सवाल भी आता है बल्लियां कितनी है? छह। तो बल्लियों से याद रखना है बल्लियां कठोपनिषद में ही है, और 119 मंत्र है, 119 मंत्र है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप कठोपनिषद संबंधित और सवाल भी देखो। अच्छा, प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में श्रेयस और प्रेयस का वर्णन है, प्रथम अध्याय है ना, तो पूछता है श्रेयस और प्रेयस का वर्णन कहां है? प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में, है ना, दूसरी वल्ली में श्रेयस और प्रेयस का वर्णन है। तो श्रेयस प्रेयस उपनिषदों की विषय वस्तु है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, देख लेना, है ना, और वो जो नैतिक सिद्धांत है उसके तहत आती है, लेकिन उसका वर्णन कहां गया है? कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में इसका जो है वर्णन किया गया है, श्रेयस और प्रेयस का। दो अध्याय है, छह वल्लियां हैं कुल, और 119 मंत्र है। तो कठोपनिषद के बारे में इन सवालों को आप जरूर देख के जाना, इनको मिस कर दिया आपने तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखते रहो, फिर अपन देखेंगे ईशवास्य उपनिषद के बारे में, ठीक है ना, ईशवास्य उपनिषद, ईशवास्य उपनिषद के बारे में, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल आते हैं? देखो इसमें क्या है, ज्ञान कर्म विद्या अविद्या सम्मुति और सम्मुति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसकी दो संहिताएं पाई जाती हैं, पहली तो है कर्म संहिता, ठीक है, इसकी दो संहिताएं हैं, पहली है कर्म संहिता और दूसरी है इसकी, दूसरी संहिता कौन सी है? बाज सनेही संहिता, बाज सनेही संहिता, ठीक है। ये दोनों संहिता किससे संबंधित है? ईशवास्य उपनिषद से संबंधित है। अब कर्म संहिता में जो है कुल 18 और बाज सनेही संहिता में 17 मंत्र है, इसमें कुल 18 और इसमें 17 मंत्र हैं, ये मंत्रों की संख्या है, ठीक है। सवाल पूछता है कि ईशवास्य उपनिषद की कर्ण संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ईशवास्य उपनिषद की
वात्स्यायनी संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 17। ठीक है। अब देखो और एक चीज बता दूं, बृहदारण्य उपनिषद है ना, बृहदारण्य उपनिषद में मैंने आपको बताया था आत्मा की 6 अवस्थाएं, बता ही चुका। और इसके अलावा एक शब्द होता है तत्वमसी, है ना, तत्वमसी, तत्व तमसी, यानी कि तुम ही तत्व हो, ठीक है ना। तो ये सब किसमें बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। ये किसमें बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। ये सवाल किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं, ये प्रशासनिक सेवा हो चाहे कुछ भी हो, जो जीके वाला पार्ट होता है, हिस्ट्री वाला, ये वहां से सवाल पूछ लेता है, ठीक है, उनमें ये सवाल आ जाते हैं। अच्छा, एक वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहां से लिया गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है ना, ये कहां से लिया गया है, सवाल इस तरह आता है, तो ये लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से। देखो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए लिखने में ऊपर नीचे हो रहा है, पर मैं हर चीज अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अयम तत्व ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, अब चीज आती है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा जो उपनिषद है ना वो मांडुक्य उपनिषद ही है, ठीक है, ये सबसे छोटा उपनिषद है ना, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 12 मंत्र है, कुल कितने मंत्र है, 12, है ना। मांडुक्य उपनिषद से वाक्य लिया गया है अयम आत्मा ब्रह्म, और इसमें सबसे छोटा उपनिषद भी बोलते हैं, इसमें कुल मंत्र जो है 12 ही है, ठीक है। ईश उपनिषद में कुल मंत्र कितने हैं, ईश उपनिषद में कुल मंत्र 18 है, ठीक है ना, ईश उपनिषद में। ये देखो ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद में कुल मंत्र है 18। ये ईशवास्य उपनिषद है, ये ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद में मंत्रों की संख्या 18 है। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें कुल मंत्र 12 ही है। अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो देखो नाम से ही जाहिर है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ये सवाल अलग है ना। सबसे बड़ा उपनिषद किसको कहते हैं, देखो अपने उपनिषद आता है बृहदारण्यक उपनिषद, उसके नाम ही लिखा है बृहद, सबसे बड़ा है वो, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद, ठीक है। तो सबसे छोटा मांडुक्य, मांडुक्य मेंढक को कहते हैं मंडूक, है ना, तो मेंढक जितना छोटा सा है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, ये सबसे बड़ा है। इस प्रकार उपनिषदों के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने बताए, इनको आप गौर से देखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी, और इसका तुरंत आप लाभ उठाएं, और अगले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आगे बढ़ाने में, कंपटीशन को फाइट करने में, आपको सक्सेस करने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों जल्दी ही हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।